intense flavor. Zaikedar aur mazedar. अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गोंद का हलवा, जिसे पंजरी भी कहा जाता है। ये सर्दियों में खास बनाई जाने वाली डिश है, जो बोन्स के लिए बहुत ही मुफीद है। हड्डियों की कमजोरी, जो कमर का दर्द होता है हड्डियों में और घुटनों में दर्द होता है, ये बहुत हलवा मुफीद है। और जो डिलीवरी वुमेन होती है उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। और ये थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन बहुत ही मुफीद और बहुत ही ताकतवर डिश है ये। यह बच्चों को हम दो चम्मच खिला के दूध पिला दो चम्मच खिला के ये बहुत ही मुफीद है। आइए हम देखते हैं, तमाम सामग्रियां यहाँ रखी है। 150 ग्राम तल मखाना लगेगा, 250 ग्राम गोंद लगेगा, 150 ग्राम शुगर लगेगी, 150 ग्राम रवा लगेगा, और 100 ग्राम पिस्ता है, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम ये तिल है, 100 ग्राम किशमिश, 4 मगज 100 ग्राम है, 100 ग्राम बादाम है, और ये खोपरा हमने कसा हुआ ले लिया है, ये 100 ग्राम ये ले लिया है खोपरा, और गार्निशिंग के लिए हमने ये कट करके खोपरा लिया है, और 100 ग्राम खसखस लगेगा, और ये अखरोट है 100 ग्राम, और देसी घी इसमें लगेगा। ऐसे नॉर्मल घी भी चल सकता है, लेकिन अगर देसी घी यूज करें तो ज्यादा मुफीद है। आइए हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। ये गैस हमने चालू किया है, पैन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। ये जो बादाम है इसे रोस्ट करेंगे, एक एक करके सब चीजें रोस्ट करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। पांच पांच मिनट इसे रोस्ट करेंगे, रोस्ट कर करके निकालेंगे। ये हमारा बादाम ऑलमोस्ट हो गया है, इसे निकालेंगे। अब हम ये पिस्ता डाल देंगे। जो बादाम हमने पहले लिया था वो रोस्टेड लिया था, इसीलिए घी का कलर डार्क दिख रहा है। अब हम पिस्ता 5 मिनट तक रोस्ट करेंगे। ये पिस्ता रोस्ट हो गया है, इसे पूरा निकाल लेंगे हम, और 1 चम्मच या 2 चम्मच बस इतना ही घी डालेंगे। और अभी जो यहाँ पर काजू है 100 ग्राम, काजू को हम रोस्ट कर लेंगे स्लोली स्लोली, इसे रोस्ट करते रहेंगे। रेड हो रहा है हल्का हल्का। अब ये काजू को भी हम निकाल लेंगे। अब ये अखरोट है ये डाल देंगे, इसे भी वैसे ही रोस्ट करेंगे। अखरोट हमने रोस्ट करके निकाल लिया है। अब फिर हम 2 चम्मच डाल के अब हम ये 4 मगज ये डाल देंगे, इसे भी रोस्ट कर लेंगे। ये भी हमारा रोस्ट हो गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब 1 चम्मच फिर डालेंगे, और ये जो किशमिश है अब ये रोस्ट करेंगे। 1 by 1 हम एक एक चम्मच घी में सबको रोस्ट करते रहेंगे। एक साथ हमें नहीं डालना है, एक एक ही करके डालना है। ये हल्का हल्का फूल जाए। ये किशमिश भी हमारा रोस्ट हो गया है, इसे भी निकाल लेंगे। ये 1 चम्मच घी डालेंगे, और ये जो तिल है इसे भी रोस्ट करेंगे, और यहाँ जो ये खसखस है ये भी इसी में मिला लेंगे। सिर्फ ये दो ही चीज एक साथ मिला सकते हैं, जिसे जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे।
ताकि ये ज्यादा रेड ना हो जाए। कम से कम 5 मिनट तो पकाना है, रोस्ट करना है। ये हमने 2 से 5 मिनट इसे रोस्ट कर लिया है, अब इसे भी निकाल देंगे। देखिए जलने नहीं देना है। ये 1/2 चम्मच घी डालेंगे और जो यहाँ खोपरा है उसको भी रोस्ट कर लेंगे। ये हम पिसे हुए खोपरे को भी रोस्ट कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए। यह हमारा खोपरा रोस्ट हो गया है, इसे भी निकाल लेंगे। अब ये 1 चम्मच घी डालेंगे और 1 चम्मच और डालेंगे क्योंकि हमें अब रवा डालना है। ये अच्छी तरीके से भूनेंगे रवे को। ये हमने रवा भुना ही लिया था, फिर भी हमें घी में इसे थोड़ा रोस्ट करना है ताकि ये कच्चर कच्चर नहीं हो। ये रवा है, रवे को हमने भून लिया था पहले ही, इसे बहुत टाइम लगता है और इसे अभी थोड़ा ही हमें टाइम लगेगा क्योंकि हमने पहले ही भुना ही लिया था। थोड़ा रेड हो जाए तो इसे निकाल लेंगे। ये रवा हमारा रोस्ट हो गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। ये 2 चम्मच हम घी डाल के, ये हमने 2 चम्मच घी डाल के गोंद को रोस्ट करने रखा है। आहिस्ते आहिस्ते इसे फूलने देंगे। देखिए गोंद कैसे हमारे फूल रहे हैं, ये पूरे रोस्ट हो जाना चाहिए, मस्त एकदम अच्छे फूल रहे हैं, जैसे मोती लग रहे हैं। ये गोंद हमारे अच्छे फूल गए हैं, रेडी हो गए, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब हम 2 चम्मच और डाल के जो हमने तल मखाना लिया था इसे भी रोस्ट करेंगे। ये देखिए रोस्ट हो रहा है। देखिए तल मखाना फूल रहा है, रोस्ट हो रहा है, हल्के हल्के रेड हो जाए जब हमें इसे निकालना है। बड़े क्रिस्पी लगते हैं ये। ये रेडी हो गया हमारा तल मखाना, अब इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। ये 1/2 चम्मच घी डाल के ये जो गार्निशिंग का हमने खोपरा लिया था इसे भी रोस्ट करेंगे। 2-4 मिनट इसे भी रोस्ट कर लेंगे। ये खोपरा हमारा रेडी हो गया, इसे भी हम निकाल लेंगे। या जो भी ड्राई फ्रूट और नट्स है ये सब हमने इसे रोस्ट कर लिया है। अब इसे हमें चॉपर में चॉप करना है, इसे जाड़ा मोटा दरदरा चॉप करना है। अगर चॉपर आपके पास नहीं है तो हम मिक्सर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर चॉपर होगा तो जाड़ा मोटा अच्छा लगेगा खाने में। ये हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसे जाड़ा मोटा चॉपर में ग्राइंड करेंगे। हमने आधा ग्राइंड कर लिया है नट वगैरह, अब ये जो आधा हम ले रहे हैं उसमें अब शुगर मिला लेंगे। शुगर मिला के अभी इसे ग्राइंड करेंगे। ये रेडी हो गई है हमारी पंजरी रेसिपी, गोंद का हलवा। देखिए बहुत ताकतवर है। आप इसे टाइट बंद डब्बे में भी इसे रख के यूज कर सकते हैं 1-2 महीने के लिए, ये खराब नहीं होगा। इसे हम प्लेट में सर्व करते हैं। देखिए खाने में बहुत टेस्टी है, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। ये हो गई, अभी हम इसे गार्निशिंग करेंगे। ये हम इसे गार्निशिंग करेंगे।
ये बन गई हमारी गाइस पंजरी रेसिपी, जो बहुत ही ताकतवर है। और देखिए हमने इसे इतना अच्छा गार्निशिंग किया है। और शुगर आप स्वाद अनुसार ही लीजिए, किसी को ज्यादा लगता है कम लगता है, अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये बहुत ताकतवर है। प्लीज गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए दोस्तों में। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।